भरतपुर के घना बर्ड सेंचुरी को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहां दुनिया भर से प्रवासी पक्षी आकर बसेरा बसाते हैं। इसकी बड़ी वजह यहां उपलब्ध वेटलैंड यानी नम भूमि और जलाशय हैं, जहां पक्षियों को भोजन, आवास और जलवायु की अनुकूलता मिलती है। घना एक बड़ा वेटलैंड है, लेकिन पिछले 2 साल में ये रिसर्च किया गया है कि घना के आसपास भरतपुर जिले में करीब 60 ऐसे वेटलैंड हैं जो पक्षियों के लिए अनुकूल हैं। आप देखो ना, जो नहर होती थी और यहाँ ये यहाँ पे जो एम्बैंकमेंट है ना, उसके बाहर पर वो होता था, वो सब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, वो एरिया है। फिर इसके बाद में आपका ये जो मलाह गांव है जी, इसके और पास पानी होता था, अभी भी कुछ हो रहा है, क्या क्या नहीं कुछ बचता है, बट यहाँ भी होता था ये, क्योंकि केवड़ा देव के पास में ही है सब है। इसी तरह से ऐसे 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 और भी जगह है, जैसे ये यहाँ पे जगह सातरुक है या कौन सा गाँव, जादव पट्टी के पास गांव है, वहाँ पे वेटलैंड एरियाज हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम राजस्थान की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जोधपुर झाल है वो यूपी में आ गया है, कि तो हम बात कर रहे हैं इस एरिया की बात कर रहे हैं, जो जो कि जो यमुना का कैचमेंट एरिया है, ये जो एरिया है ना, ये यमुना का कैचमेंट एरिया है। जैसे जोधपुर झाल हुआ आपका, ये जयजयपट्टी के पास लेक्स वगैरह हुए, क्या क्या नहीं है, फिर और कुछ गांव हैं वहाँ, पोखर वगैरह हैं, तो काफ़ी लोग हैं, उसकी पूरी लिस्ट है। पक्षियों के लिए ये अच्छी खबर है, लेकिन इन तमाम वेटलैंड्स को कानूनी संरक्षण मिलने की बेहद दरकार है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये वेटलैंड खत्म हो जाएंगे। करीब डिपेंड करता है 40-50 बॉडी 50-60 वाटर बॉडीज ऐसी हैं जो कि हैं, जो अभी एग्जिस्ट कर रही हैं, जो वाटर डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के पास में है, कुछ पंचायत के पास में है। तो क्या है कि जो ये तो मेन बॉडी रही, लेकिन चिड़िया क्या है, बाहर जाती हैं, फीड करती हैं, फिर आती हैं, तो इन बाहर की जो वेटलैंड्स हैं इनका प्रिजर्व होना भी ज़रूरी है। और इनके प्रिजर्व होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनका लीगल स्टेटस बनाया जाए। अगर लीगल स्टेटस ही नहीं होगा तो उसको कभी भी आप किसी चीज़ में कन्वर्ट कर दोगे, क्या है क्या नहीं। कुल मिलाकर पक्षियों की इस खूबसूरत दुनिया को बचाना है तो वेटलैंड्स को बचाना ही होगा। इसे बचाने के लिए लगातार और ईमानदार प्रयास करने होंगे। कुदरत ने पक्षियों के लिए भरतपुर में भरपूर जलाशय नवाजे हैं। इनका संरक्षण अब सिस्टम की जिम्मेदारी है। ईटीवी भारत के लिए भरतपुर से श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट।